देखिए बिहार पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार की एक बड़ी आबादी गरीब आबादी है, यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सरकार अभी सीए लेकर के आई है, बाद में एनआरसी लाएगी, एनपीआर करेगी, और उसमें मूल उद्देश्य ये है कि आपको डॉक्यूमेंट दिखा करके अपनी नागरिकता सिद्ध करनी है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, इस देश के जो सारे गरीब लोग हैं डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ होता है। आप देख लीजिए जो दलित महादलित समुदाय हैं उनके पास खाता खेसरा नहीं होता है, जमीन का कागज नहीं होता है, क्योंकि वो भूमिहीन लोग होते हैं। जो माइग्रेंट लोग और लेबर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और होती है, काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत होगी। इस देश के जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसमें परेशानी हो सकती है। मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं कि पीएफ अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा है। कारण क्या है कि मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम मेरे सर्टिफिकेट में एक कागज में JAI लिखा हुआ है और दूसरे में जो है JAY लिखा हुआ है। तो ये जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, इस वजह से लोग अपना पीएफ अकाउंट में पैसा क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के आधार पर देश में लोगों की नागरिकता नहीं ठीक तय की जा सकती है। प्रधानमंत्री जिस तरह से झारखंड में दौरान बोल रहे हैं कि विपक्ष इस मामले को सुलगा रहा है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सरकार इस पूरे के पूरे मामले पे पेट्रोल डाल करके आग लगाई है। यह देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये कानून CAA और आगे NRC और NPR सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश में विभाजन पैदा किया जा सके। इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये देश विरोधी कानून बनाए हैं और ये चाहते हैं कि देश सांप्रदायिकता की आग में जले, ये सरकार चाहती है, और उस आग के धुएं के पीछे ये अपनी नाकामयाबी को छुपा सके, गिरती अर्थव्यवस्था को छुपा सके, 2 करोड़ की नौकरी देने के सवाल को छुपा सके, लोगों के खाते में 15 लाख रुपया पहुँचाने के सवाल को छुपा सके। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।